जांतव रेशे यानी जंतु रेशे। साथियों, आप जानते हैं कि सूत व जूट का रेशा हमें पादपों से प्राप्त होता है। हम अपने दैनिक जीवन में अन्य प्रकार के वस्त्रों का भी उपयोग करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम कौन से वस्त्रों की बात कर रहे हैं? वही जिन्हें आप सर्दियों में पहनते हैं। जी हाँ, ऊनी व रेशमी वस्त्र। अब प्रश्न है कि क्या ऊन व रेशम का रेशा भी पादपों से प्राप्त होता है? आप फिर सोच में पड़ गए। याद कीजिए बचपन की वो कविता, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल। आ गया ना याद? हाँ, ऊन हमें भेड़ों से मिलती है और रेशम किससे मिलता है? आइए आज हम जानते हैं ऊन व रेशम के विषय में, जो जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। ऐसे रेशे जांतव रेशे यानी जंतु रेशे कहलाते हैं। आइए एक छोटा सा क्रियाकलाप करते हैं। हम कुछ जानवरों के चित्र दिखा रहे हैं। आप इन्हें पहचानिए। क्या आपने सही पहचाना? यह भेड़ है। आपको पता है हमारे देश में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं, जिनसे ऊन प्राप्त की जाती है। इस सारणी को ध्यान से देखिए। इससे आपको जानकारी मिलेगी कि किस नस्ल की भेड़ से किस गुणवत्ता की ऊन प्राप्त की जाती है। साथ ही पता चलेगा कि हमारे देश के किन राज्यों में ये भेड़ें पाई जाती हैं। अब गौर कीजिए, हौजरी के लिए मशहूर गुजरात की पाटनवाड़ी मोटी ऊन देती गुजरात की ही मारवाड़ी। गलीचे की ऊन हमें देती है नाली। राजस्थान हरियाणा व पंजाब में रहती ये मतवाली। इस जानवर को पहचानिए। जी हाँ, वाई फॉर याक यानी जंगली गाय। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। अरे ये क्या, बकरी? क्या बकरी से भी ऊन मिलती है? जी हाँ, बिल्कुल मिलती है।
क्या आपने अंगोरा ऊन का नाम सुना है? यह ऊन अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त होती है। यह बकरी जम्मू व कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। जब कश्मीर की बात चले तो पश्मीना शॉल तो जरूर याद आता है। ये शॉल कश्मीरी बकरी के मुलायम बाल, जिसे फर कहते हैं, से बनाया जाता है। अरे ये क्या, ऊंट और ऊन, ऊंट से ऊन। ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। अब ये चित्र किन जानवरों के हैं? लगता है आपने इन्हें नहीं देखा। असल में ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। पहला लामा है और दूसरा एल्पेका। तो हमने जाना कि ऊन भिन्न भिन्न जानवरों से प्राप्त की जाती है। हो सकता है आपके क्षेत्र में इन जानवरों के नाम कुछ भिन्न हों। आप अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी इनके नाम जानने का प्रयास कीजिए। अपनी स्क्रैप पुस्तिका में इन जानवरों के चित्र चिपकाइए या फिर चित्र बनाइए और इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त कीजिए। अब इस चित्र के जानवरों का अवलोकन कीजिए। एक बात बताइए, इन सभी जानवरों में कौन सी बात समान दिख रही है? शरीर पर ढेर सारे बाल। बाल तो आपके शरीर पर भी हैं, सिर पर, हाथों पर, पैरों पर। जरा इन बालों को छूकर महसूस कीजिए। क्या सभी बाल एक समान हैं? थोड़ा फर्क महसूस हो रहा होगा। कुछ मुलायम लग रहे होंगे और कुछ थोड़े मोटे और रूखे। इस भेड़ के शरीर पर भी दो प्रकार के बाल होते हैं। पहला, दाढ़ी के रूखे बाल और दूसरे त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। यही तंतु रूपी बालों से ऊन बनाने के लिए रेशा प्राप्त किया जाता है। आपको एक बात बताएं, भेड़ों की कुछ नस्लों में
केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए इनके जनकों का विशेष रूप से चयन किया जाता है, जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हों, यानी कि जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ हो। जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। रेशों से ऊन तक साथियों, ये तो हम जान चुके हैं कि हमें ऊन के रेशे विभिन्न जंतुओं से प्राप्त होते हैं। आइए अब हम जानें कि जंतुओं से प्राप्त रेशों से ऊन कैसे बनाई जाती है। हम भेड़ का उदाहरण लेकर इस प्रक्रिया को समझते हैं। भेड़ पालन के विषय में आपने सुना होगा, आपने गडरिये की कहानी तो जरूर सुनी होगी, जो जंगल में भेड़े चराने जाता था। गडरिया यानी भेड़ पालक। आपने सड़क यात्रा के दौरान इन्हें देखा भी होगा कि कैसे ये झुंड में भेड़ों को चराने ले जाते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि भेड़े क्या खाती हैं? हाँ, ये शाकाहारी होती हैं और घास व पत्तियां खाना पसंद करती हैं। गडरिया इनका बहुत ध्यान रखता है, वो इन्हें हरे चारे के अलावा दालें, मक्का, ज्वार, खली और खनिज भी खिलाया करता है। सर्दियों के मौसम में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और इन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। इस प्रकार हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। याद कीजिए वो भाग कौन से हैं? याद आई वो सारणी? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। अब गडरिये की भेड़ों के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो चुकी है। अब ऊन प्राप्त करने के लिए इन बालों को काटा जाएगा। इस प्रक्रिया में भेड़ के बालों को
त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। इस प्रक्रिया को ऊन की कटाई कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बाल काटते किससे हैं? आप बाल कटवाने जाते हैं? बस उसी प्रकार की मशीन का उपयोग भेड़ के बाल उतारने में किया जाता है। अरे घबराइए मत, इस प्रक्रिया में भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता। जब आप बाल कटवाते हैं तो क्या आपको होता है? नहीं ना, बस वैसे ही। दरअसल त्वचा की सबसे ऊपर वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। साधारणतया बाल गर्मी के मौसम में काटे जाते हैं। ऐसा क्यों? असल में सर्दियों में ये बाल भेड़ों को ठंड से बचाते हैं। ये इनके सुरक्षात्मक आवरण के रूप में काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे? इन घने बालों के बीच वायु भर जाती है। चूंकि वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, अतः ये बाल इन जंतुओं को गर्म रख इन्हें ठंड से बचाते हैं। चलिए भेड़ के बाल तो कट गए, इन बालों से ऊनी रेशे निकाले जाएंगे जिन्हें संसाधित कर ऊन का धागा बनाया जाएगा। यह प्रक्रिया कई चरणों में होती है। आइए देखते हैं। इस चित्र में आप एक बड़ी सी टंकी देख रहे हैं। इस टंकी में इन बालों को डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है ताकि बालों पर लगी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। इस प्रक्रिया को अभिमार्जन यानी स्काउरिंग कहते हैं। लेकिन आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा भी किया जाता है। अब बाल छटाई के लिए तैयार हैं। अब इन्हें कारखानों में भेजा जाएगा जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाएगा। अब बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को, जिन्हें की बर कहते हैं, अलग किया जाएगा। ये वही बर हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर इकट्ठे हो जाते हैं। इन बालों को सुखाकर पुनः अभिमार्जन कर लिया जाता है। पुनः सूखने के बाद ये धागों के रूप में काटे जाने के लिए तैयार हैं।
अब रेशों को विभिन्न रंगों में रंगा जाएगा। क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफेद होती है। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर उससे धागा बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को रीलिंग कहते हैं। तो लीजिए, अब ऊन स्वेटर बनाने के लिए तैयार है। तो साथियों, आज हमने जाना कि जंतुओं से ऊन किस प्रकार प्राप्त की जाती है।